हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि एक साइंस फैक्ट है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो साइंस फैक्ट्स होते हैं, ये कई बार हमारे क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आ जाते हैं, तो हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम उसको लिख पाने में, आंसर की फॉर्म में लिख पाने में हम मतलब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने साइंस फैक्ट की सीरीज़ इसमें बना रखी है अपनी चैनल पे, तो आप उनको देख सकते हैं। तो आज पर्टिकुलर इस वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन इज़ असेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ एज इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेजर बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियक एसिड्स। तो न्यूक्लियक एसिड्स और प्रोटीन्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्या, नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन इज़ असेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, दोनों के लिए ज़रूरी होता है। इट इज़ अवेलेबल इन प्लांटी इन द एटमोसफेयर। तो ये नाइट्रोजन जो है, ये गैस की फॉर्म में ही हमारे एटमोसफेयर में चारों तरफ काफ़ी क्वांटिटी में होता है, कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये प्लांट्स को नहीं मिल पाता है। कैसे, क्यों नहीं मिल पाता है? However, for plants to be able to use it efficiently, it has to be converted into some nitrogenous compounds. तो जो plants हैं वो direct nitrogen gas को roots के through absorb नहीं कर सकते हैं, उन्हें nitrogenous compounds की form में हों वो तभी absorb कर सकते हैं। तो अब ये कैसे possible होता है? This conversion is called nitrogen fixation. तो मतलब जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ताकि वो रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें और पूरे प्लांट्स को नाइट्रोजन की मतलब जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो मिल सकें। देन नाइट्रोजन इज़ द कम्बाइंड फॉर्म of also necessary for the manufacture of explosive and chemical fertilizers. मतलब नाइट्रोजन की ज़रूरत एक तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में और एक्सप्लोसिव्स में भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन नेचर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बाय लाइटनिंग। तो ये आपको यहाँ पे एक रूट दिख रही है, ये रूट्स जो हैं ये एक लेग्यूमिनस प्लांट की रूट हैं। लेग्यूमिनस यानी जो फली वाले पौधे होते हैं, जैसे कि मटर है, राजमा, छोले, ये सब जो फली यानी जिनमें ऐसे करके लेग्यूम बनता है, जिसके अंदर सीड या बीज होता है, वो कहलाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। इनकी रूट्स में ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, मतलब इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इन रिटर्न तो जो प्लांट्स से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इनके बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है कि वो उनके काम आ रहा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के, राइट। और तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोफिक्सेशन करते हैं। दूसरा है लाइटनिंग। लाइटनिंग एक जब बारिश आती है या बादल जब गरजते हैं तो उसे तो एक लाइट जैसी चमकती है, बिजली जैसी चमकती है, उसको कहते हैं लाइटनिंग। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, तो ये देखेंगे। द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनियम कंपाउंड्स व्हिच आर देन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। तो वो उसे अमोनियम कंपाउंड में चेंज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो कि जो कि रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नेक्स्ट, द प्लांट सप्लाई द बैक्टीरिया विद फूड विच इन टर्न सिक्रीट अमोनियम कंपाउंड्स दैट आर एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय द प्लांट्स। समझ गए? तो यही अभी जो बताया था कि इनके बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। नेक्स्ट, अभी तो हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। दूसरा है लाइटनिंग। लाइटनिंग से कैसे होता है? लाइटनिंग कॉजेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर। तो जब लाइटनिंग होती है तो एटमॉस्फेरिक एयर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से कंबाइन होकर के नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेती है। तो दीज ऑक्साइड्स देन कंबाइन विद मॉइस्चर इन द एयर एंड आर कैरीड डाउन बाय रेन एज नाइट्रेट्स। तो अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ या मॉइस्चर के साथ जो हवा में है उसके साथ नीचे रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है एज नाइट्रेट्स। ओके, नाइट्रेट की फॉर्म में विच आर टेकन अप बाय द
प्लांट्स, इसलिए जो बारिश वाला पानी होता है वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बारिश के पानी में वो अच्छा ग्रो करते हैं। ओके, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।